हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जीमेल आईडी का पासवर्ड कैसे चेंज करें। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास जीमेल आईडी है और आप उसकी पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज के वीडियो में हम जीमेल आईडी की पासवर्ड चेंज करना आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों, चेंज करने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में एक जीमेल नाम का एक ऐप होगा। ये ऐप सिंपल, आपको इसी ऐप को ओपन करना होगा। इस ऐप को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, आपका जो नाम का लोगो दिख रहा होगा, नाम का पहला दो अक्षर दिख रहा होगा या फिर आपका फोटो दिख रहा होगा, सिंपल उसी पर टच करना होगा। इसके बाद यहाँ पे गूगल अकाउंट लिखा है, सिंपल गूगल अकाउंट पे आपको टच करना होगा। इसके बाद दोस्तों, गूगल अकाउंट पे टच करते कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। इसके बाद दोस्तों, इसको आपको इधर की ओर स्क्रॉल करना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सिक्योरिटी का, सिंपल सिक्योरिटी पे आपको टच करना होगा। इसके बाद दोस्तों, ये कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पासवर्ड का, सिंपल आपको पासवर्ड पे टच कर देना होगा। पासवर्ड पे टच करते ही कुछ इस तरीके का यहाँ पे लोडिंग लेगा। इसके बाद दोस्तों, ये जैसे ही लोडिंग लेगा तो आपको करना क्या होगा कि कुछ टाइम तक वेट कर लेना है जब तक ये लोडिंग लेगा, क्योंकि दोस्तों नेटवर्क इशू होने की वजह से कभी टाइम भी लग सकता है। हालाँकि ये इसका रूल ही है कि टाइम लगता है, आपका नेटवर्क कितना भी अच्छा रहे पर ये 10-20 सेकेंड टाइम लेगा ही लेगा, क्योंकि दोस्तों ये गूगल है। और गूगल अब दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे नया पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ रहा है। चलिए मैं कोई एक नया पासवर्ड डाल लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आप ध्यान रखना, कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना, 7 से 8 अंक का डालना, थोड़ा स्ट्रॉन्ग, और उसी को फिर से नीचे कंफर्म कर देना। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद चेंज पासवर्ड पर टच कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, जो आपकी पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगी। हालांकि जो दोस्तों मैंने पासवर्ड डाला वो इनकरेक्ट हो गया, जो मैंने ऊपर डाला था वही सेम नीचे भी डालना होता है, लेकिन मैंने नीचे गलत डाल दिया। तो आप गलत मत डालना, बिल्कुल सही डाल के चेंज पासवर्ड पे टच करना, आपकी पासवर्ड चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।